डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर फोर सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप लेके आए हैं। क्या कहता है कि वी सी दैट देयर इज ए वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर। क्या कहता है कि हम देखते हैं कि हमारे आसपास हर जगह बहुत सारे किस्म के ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं। All objects around us are made up of different materials like glass, plastic, paper, cotton, wood, etc. हमारे आसपास हर जगह जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं वो सब अलग अलग मुख्तलिफ मटीरियल की बनी हैं। मतलब हर चीज़ जो है सेम किस्म के मटीरियल की नहीं बनी है। जैसे कोई ग्लास की बनी है, कोई प्लास्टिक की बनी है, कोई पेपर की है, कोई कॉटन की है, या कोई वुड की है। इसके अलावा भी बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं। और जो कौन सा ऑब्जेक्ट जो है किस मटेरियल का बना है ये उनकी प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है। सबसे पहले है उस मटेरियल की अपीयरेंस, मतलब कि वो मटेरियल जो है हम देखते ही पहचान लेते हैं कि ये वुड है, ये आयरन है, ये पेपर है। मतलब ऑब्जेक्ट चीज़ें जो हैं हमें मुख्तलिफ़ दिखाई देती हैं। जो मुख्तलिफ चीज़ों की बनी मटेरियल की बनी होती है वो हमें मुख्तलिफ दिखाई देती हैं। जैसे कुछ मटेरियल जो है वो शाइनी होते हैं, वो हमें चमकते हुए चमकदार दिखते हैं, और कुछ मटेरियल जो होते हैं वो चमकते नहीं हैं। जैसे आमतौर पर मेटल्स जो होते हैं उनकी वो शाइनी होते हैं। इसके अलावा वुड है, पेपर है, ये डल होते हैं, ये शाइनी नहीं होते। इसके बाद दूसरी है हार्डनेस, मतलब कुछ मटेरियल, कुछ चीज़ें जो हमारे आसपास होती हैं, हमारे आसपास पाई जाती हैं, वो सख्त होती हैं बहुत, और कुछ चीज़ें सख्त नहीं होती हैं। जैसे वुड है वो भी हार्ड होता है, आयरन है वो भी हार्ड है, जो पत्थर पाए जाते हैं हमारे आसपास वो भी हार्ड होते हैं। और सॉफ्ट में जैसे यहाँ पे हमने बताया कॉटन आएगा, पेपर आएगा, ये हार्ड नहीं होते। उसके बाद है सॉल्युबिलिटी, मींस कि कुछ मटेरियल जो हैं वो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं और कुछ मटेरियल पानी में डिज़ोल्व नहीं होते। जो पानी में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे हम कि ये सॉल्युबल इन वाटर हैं, और जो मटेरियल पानी में पूरा नहीं घुलेगा तो उसे हम कहेंगे इनसॉल्युबल। जैसे शुगर है, साल्ट है, जब हम उन्हें पानी में मिक्स करते हैं तो वो कम्प्लीटली डिसअपीयर हो जाते हैं, वो हमें फिर बाद में दिखाई नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि वो पानी में सॉल्युबल हैं और उसमें घुल जाते हैं। और इसके अलावा जैसे रेत होती हैं या पत्थर होते हैं, उन्हें जब हम पानी में डालते हैं तो वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होते हैं। उसके बाद है फ्लोट और सिंक, मतलब कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो पानी में डूब जाते हैं, सिंक करते हैं, और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो पानी पे फ्लोट करते हैं। जैसे पेपर जो है हमारा, वो सूखे पत्ते होंगे, ये जब हम पानी में डालेंगे तो ये पानी के अंदर डूबेंगे नहीं, ये पानी के ऊपर से तैरेंगे। इसके बनिस्बत जो पत्थर हैं या रेत हम डालेंगे या चौक डालेंगे हम पानी में, या कोई भी वो मटेरियल जो है पानी में नीचे डूब जाएगा, पानी पे तैरेगा नहीं। मतलब कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो पानी पे तैरते हैं और कुछ मटेरियल डूब जाते हैं। इसके बाद है ट्रांसपेरेंसी, मींस कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं हमारे आसपास, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट जो है ऐसे मटेरियल के बने होते हैं जो जिनके हमें आर पार दिखाई देता है। जैसे हमारे विंडो के ग्लासेस होते हैं, या घर में पानी पीने के जो ग्लास होते हैं वो जिनके आर पार हमें दिखाई दे उन्हें ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके आर पार हमें दिखाई नहीं देता, जैसे हमारी ये बुक है, इसके आर पार हमें दिखाई नहीं दे रहा है, या हमारे डेस्क हैं, तो उन मटेरियल को हम ओपेक कहते हैं, जिनके आर पार हमें दिखाई नहीं देता।
और पीछे हमने पहले चैप्टर में फैट्स के लिए एक टेस्ट किया था जिसमें हमने कुछ फूड मटेरियल जो है पेपर पे क्रश किया था। उसके बाद उसके आर पार देखा था हमें कि थोड़ा थोड़ा हमें थोड़ी थोड़ी लाइट दिखाई दे रही थी, मतलब किसी भी चीज़ को अगर हम देखेंगे तो उसमें हमें वो थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, या इसके अलावा अगर हम प्लेन पेपर पे के आर पार देखेंगे तो हमें कुछ नहीं दिखाई देगा। जब हम उस पर थोड़ा तेल डालेंगे तो उसे रब करेंगे, उसके बाद जब हम उस पेपर के आर पार देखेंगे तो जिसे हम ट्रेस पेपर कहते हैं उसके आर पार देखेंगे तो हमें थोड़ा थोड़ा धुंधला जैसा दिखाई देगा। वो मटेरियल जिनके आर पार धुंधला जैसा दिखाई देता है, पूरा क्लियर दिखाई नहीं देता, उस मटेरियल को हम ट्रांसलूसेंट मटेरियल कहते हैं। मतलब वो मटेरियल जिसके आर पार हमें पूरा दिखाई देता है उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं, और जिसके आर पार कुछ भी नहीं दिखाई देता उसे ओपेक कहते हैं, और जिसके आर पार धुंधला जैसा थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है उसे ट्रांसलूसेंट कहते हैं। इनके अलावा, इस ग्रुप के अलावा, हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से भी चीज़ों को ग्रुप करते हैं। मतलब अपने हिसाब से एक जैसे, मतलब जब ऑब्जेक्ट्स में सिमिलरिटीज़ हो, कुछ सिमिलरिटीज़ के बेस पे हम चीज़ों को एक जगह रखते हैं, या उनके दरमियान फ़र्क के हिसाब से भी हम उन्हें अलग अलग करते हैं। मतलब हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ों को ग्रुप करते हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स में।